फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर करिए, आपस में मिलती जुलती ये दोनों तस्वीर बेगूसराय और गया की है। बेगूसराय की तस्वीर में नजर आ रहे व्यक्ति का नाम मनोज कुमार है। वहीं दूसरी तस्वीर भी देखिए, यह गया की तस्वीर है जहां पर नव निर्वाचित वार्ड सचिव संजीत कुमार पुलिस हिरासत में शपथ लेने पहुंचे हैं। चलिए अब विस्तार से दोनों मामला आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं बेगूसराय की। बिहार के बेगूसराय में भ्रष्टाचार के मामले में भागलपुर जेल में बंद मनोज कुमार चौथी बार मुखिया बनने के बाद हाथ में हथकड़ी लगाए मुखिया का शपथ लेते नजर आए। दरअसल बरौनी प्रखंड के मैदा बभन गामा पंचायत से मुखिया रहते मनोज कुमार ने नामांकन किया और 3 नवंबर को हुए मतदान और 5 नवंबर को हुए मतगणना में 534 मत से चौथी बार मुखिया का चुनाव जीता। मनोज कुमार फरवरी 2021 में बरौनी प्रखंड कार्यालय परिसर से नल जल योजना में घुस ले थे पटना निगरानी टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए। जेल में रहते मनोज कुमार ने नामांकन किया और चुनाव भी जीता और फिर आगे चलकर मुखिया भी बने। फिर बरौनी प्रखंड कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें वे भागलपुर जेल से हाथों में हथकड़ी के साथ पुलिस के नेतृत्व में शपथ लेने पहुंचे। रहते हुए भी मेरे पंचायत के जनता लोग ने जो मेरे लिए कार्य किए हैं बहुत ही सराहनीय पूर्वक है और मेरे चौथी जीत है। मेरी चौथा जीत में जनता को इतना विश्वास था कि मुखिया जी वैसे व्यक्ति नहीं है, इसीलिए दोबारा 10 महीना हम जेल में रहने के बावजूद भी हमको बिना देखे हुए विश्वास के साथ वोट डाले कि आगे आके फिर मुखिया जी हम लोग पंचायत जिस दिन जाएंगे बेल होगा उसके बाद उससे ज्यादा हम सजा देंगे पंचायत को। जो जो ने हमको जिताए पूरे पंचायत के लिए हम बोल रहे हैं कि दिन रात एक कर देंगे, मतलब उन लोग के विकास के लिए। अब आपको गया लेकर चलते हैं। बोधगया प्रखंड के ई किसान भवन में नव निर्वाचित उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण चल रहा था। अतिया पंचायत के खजवती गांव के वार्ड सदस्य जेल से निकलकर शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कैदी वार्ड सदस्य को लाया गया जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ ग्रहण सम्पन्न हुआ। यहां कैदी संजीत कुमार खजवती गांव से वार्ड सदस्य के लिए चुने गए। बता दें कि एक साल पहले खजवती गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान अंचलाधिकारी और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया था जिसमें अंचलाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसी घटना में आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया था। शपथ ग्रहण करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। पंचायत अतिया। किस मामले में जल गए थे? अतिक्रमण हुआ था खजवती बाजार पे। आए? खजवती बाजार पे अतिक्रमण हुआ था, उसे मेरा नाम दे दिया गया था। दोनों मामले से साफ है कि दोनों कैदी अब जन प्रतिनिधि हैं, लेकिन सवाल ये है कि जेल में रहकर आखिर कैसे ये जन प्रतिनिधि जनता की सेवा करेंगे। बेगूसराय से संवाददाता सौरभ कुमार के साथ गया से संवाददाता बिमलेंदु चैतन्य की रिपोर्ट।